सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? कल जो मैंने EVS का वीडियो भेजा है उसमें आपको हार्ड वर्ड्स, राइट द आंसर इन वन वर्ड और क्वेश्चन आंसर दोनों है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे आज पूरा कर लिया होगा। एक दिन में तो वो आप नहीं कर सकते थे, पर उसे आपको लर्न भी करना है, याद भी करना है ना? आज हम हिंदी का नया पाठ पढ़ेंगे। नया पाठ है हमारा सतरंगी गेंद, है ना? उसके पहले आप मुझे बताइए, जब भी आपके पापा मम्मी आपके लिए कुछ नया खिलौना, नया गिफ्ट लाते, तो आपको कैसा लगता है? खुशी होती है? और ऊपर से यदि वो आपको नहीं पता होता है और अचानक से मिलता है, तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है, आपको बहुत मज़ा आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप उसे छोड़े ही नहीं, है ना? अपने पास लेके बैठते हैं, पूरे टाइम उससे खेलते हैं, सोते समय भी कई बच्चे उसे अपने पास रखते हैं, है ना? तो इसी प्रकार आज की कहानी है हमारी एक गेंद के बारे में, सतरंगी गेंद। क्या नाम है? सतरंगी गेंद। इस कहानी में दो बच्चे हैं, विकास और विशाल। कौन है? विकास और विशाल। यह दोनों एक गेंद, उनके पापा बाहर से आते हैं और उनके लिए एक गेंद लेके आते हैं, और उसमें उन्हें अलग अलग रंग दिखते हैं, और वो रंग वे होते हैं जो इंद्रधनुष में होते हैं, है ना? इसलिए वह उसको सतरंगी गेंद कहते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, है ना? वैसे ही हमारे 7 स्वर होते हैं, है ना? पहले तो हमारे 7 वो थे, क्या अजूबे, अब एक और एड हो गया है ना? इस प्रकार से बहुत सारी चीजें 7-7 है, 7 रंग, 7 स्वर, है ना? वैसे ही उनकी गेंद भी 7 रंग की थी, अलग अलग रंग। अब हमें इन रंगों को सीक्वेंस में क्रमानुसार याद करना है। हम पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है? आप मेरे साथ पढ़िए। एक शाम विकास और विशाल अपने कमरे में खिलौनों से खेल रहे थे। अचानक बाहर से पिताजी की आवाज आई, विकास देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दोनों भाई भागते हुए बाहर आए, उन्होंने देखा पिताजी के हाथ पीछे हैं। दोनों एक साथ बोल उठे, पिताजी दिखाइए ना क्या लाए हैं, दिखाइए ना क्या लाए हैं। पिताजी बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पहले दोनों भाई अपनी आंखें बंद करो। विकास और विशाल ने कसकर आंखें बंद करी, क्या क्या जोर से कसकर, मीन्स जोर से आंखें बंद करी। अच्छा, अब उनके पापा बोले, अच्छा अब टर्न द पेज, अब आंखें खोलो। पिताजी बोले, उनके दोनों हाथों में एक बड़ी सी गेंद थी। जब उन्होंने देखते ही विकास बोला, आहा कितनी सुंदर गेंद है। उनको गेंद बहुत पसंद आई। आप जो बॉल बोलते हो ना, उस वो इंग्लिश वर्ड, हिंदी में क्या है? गेंद। इसमें आसमान जैसा नीला रंग, तरबूज जैसा तरबूजी रंग, दूध जैसा सफेद रंग और पत्ते जैसा हरा रंग है। सुनते ही विशाल भी बोल उठा, देखो देखो इसमें संतरे जैसा संतरी रंग, टमाटर जैसा लाल रंग भी है। पिताजी बोले, इसमें नींबू जैसा पीला रंग भी है। यह तो सतरंगी गेंद है। कहकर दोनों भाई गेंद को उछाल उछाल कर खेलने लगे। उछाल उछाल कर मतलब ऐसे ऊपर कर करके। एक दिन बारिश हो रही थी। विकास और विशाल कमरे में बैठे बैठे उकता गए। उकताना मीन्स बोर होना, परेशान, कंटाल जाना। दोनों मन ही मन सोचने लगे, कब बारिश रुके और कब हम बाहर जाकर खेले। ऐसा आपको भी लगता है ना, अभी जब बारिश होती है, और बारिश हमेशा शाम के टाइम ही हो रही है, अभी आप खेलने नहीं जा पाते ना। और याद रखना, बाहर जब भी खेलने जाओ तो मास्क लगा के जाना। अचानक विकास बोला, देखो विशाल धूप निकल आई, चलो अपनी सतरंगी गेंद से खेले। दोनों भाई दौड़ते हुए बाहर आए और अपनी सतरंगी गेंद से खेलने लगे। खेलते खेलते विशाल का ध्यान आसमान की तरफ गया, भैया देखो वो आसमान में क्या है। विकास ने भी ऊपर देखा,
पूरे आसमान में धनुष की तरह इंद्रधनुष फैला हुआ था। यह तो इंद्रधनुष है, कितना सुंदर लग रहा है, विकास ने कहा। दोनों भाई ध्यान से उसे देखने लगे। विशाल बोला, यह तो हमारी सतरंगी गेंद की तरह है, इसमें भी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी सभी रंग है। भैया, क्या हम अपनी सतरंगी गेंद को इंद्रधनुष तक फेंक सकते हैं? आपको पता है इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब आकाश में बादल हो और उन बादलों के ऊपर से सूरज की रोशनी गिरती है और जब वो आपस में टकराते हैं तब क्या बनता है? हमारा इंद्रधनुष, है ना? आपको इंद्रधनुष के सारे रंगों को याद करना है ना? बस फिर क्या था? दोनों भाई अपनी सतरंगी गेंद को बारी बारी से आसमान में ऊंचा उछालने लगे। विकास बोला, देखो विशाल, इस बार मेरी गेंद इंद्रधनुष को जरूर छूकर आएगी। विकास ने पूरा जोर लगाकर अपनी गेंद को ऊपर उछाला, सतरंगी गेंद गाया। विकास ने सतरंगी गेंद को गायब कर दिया। दोनों भाई गेंद को खोजने लगे, झाड़ियों में देखा, इधर देखा, उधर देखा, पर गेंद कहीं नहीं मिली। बहुत परेशान हो गए, बगीचे में सब दूर उन्होंने देखा, उन्हें नहीं दिखी। तभी उनकी माँ बाहर आई। माँ को बाहर आते देख विशाल रोता हुआ बोला, माँ हमारी सतरंगी गेंद इंद्रधनुष पर है क्या? माँ हमारी सतरंगी गेंद इंद्रधनुष पर है क्या? माँ हंस पड़ी और बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, गेंद यहीं कहीं गिरी होगी। यहाँ सहा हम सब मिलकर गेंद खोजने लगे। चलिए सब मिलकर गेंद खोजते। इतनी देर में इंद्रधनुष भी गायब हो गया था। अचानक माँ ने कहा, देखो तुम्हारी सतरंगी गेंद उस झाड़ी में अटकी हुई है, तुमको दिखी ही नहीं। दोनों भाई झाड़ी में देखने लगे। झाड़ी मतलब ऐसे छोटी 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 कुछ पौधे होते हैं और जो कई बार काम के भी नहीं होते, हम उन्हें खरपतवार भी कहते हैं, और एक साथ एक जैसे बहुत सारे पौधे लगे थे तो उनको झाड़ी भी कहते हैं। दोनों भाई झाड़ी में देखने लगे, हाँ मिल गई सतरंगी गेंद, दोनों बोल उठे। माँ ने गेंद झाड़ी से निकाली। दोनों भाई खुश होकर फिर खेलने लगे और गाने लगे। क्या गाने लगे? आहा, यह सतरंगी गेंद कितनी प्यारी अपनी गेंद, आहा यह सतरंगी गेंद कितनी प्यारी अपनी गेंद, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी यह सतरंगी गेंद, रंग बिरंगी प्यारी प्यारी यह सतरंगी गेंद। आपको यह पाठ दो या तीन बार पढ़ना है और कठिन शब्दों पर ऐसे नीचे रेखा खींचते हैं और उसे बार बार पढ़ते ताकि आपको उनको पढ़ने का अभ्यास हो जाए, है ना? तो आप उसे बार बार पढ़िएगा, ठीक है? बाय।